देखिए ये है ऑटोक्लेव रजिस्टर्स। ये ऑटोक्लेव रजिस्टर्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ऑटोक्लेव रजिस्टर्स हैं, इसमें सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे द सीरियल नंबर, द सेकेंड कॉलम इज डेट एंड डे, थर्ड कॉलम इज सेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द थर्ड कॉलम इज ऑटोक्लेव स्टिकर्स लगाएंगे, फिर चेक स्टिकर्स बनेगा, फिर नंबर ऑफ बैच ऑफ एंड साइकिल, फिर प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम, देन दिस इज नो नंबर ऑफ ड्रम्स इन यूज इन द ऑटोक्लेव मशीन, एंड रिमार्क एंड कॉम की कंप्लेंट हो एंड स्टाफ सिग्नेचर, दैट इज द प्रोसीजर। दिस इज ये ऑटोक्लेव प्रोसीजर्स है। तो ऑटोक्लेव प्रोसीजर्स में जैसे फर्स्ट नंबर हमने किया 2019 का रजिस्टर उठा के देखें, 2019 में मैंने इसी इस तरीके से ऑटोक्लेव किया। सबसे पहले हमने लिखा ड्रेसिंग सेट ऑफ द पी आई शू एन आई शू, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पी आई शू, ड्रेसिंग सेट ऑफ द एन आई शू, ड्रेसिंग शीट ड्रम्स ऑफ एन ओटी, स्टिकर्स में यस या नो जो भी है वो लिखेंगे, चेक स्टिकर्स चेक किया है उसका यस या नो लिखेंगे, कितने कौन सा बैच और कितनी बार साइकिल्स में उस ऑटोक्लेव मशीन का हुआ वो लिखेंगे, उसके बाद उसका जो प्रोसेस में जो टेम्परेचर यूज हुआ है कितने बजे आपने दिया है वो लिखेंगे। जैसे हमने दिया 121 सेंटीग्रेड इन 10 AM पर, उसी प्रकार हम इन्हें एक एक ऑटोक्लेव मशीन में एक प्रोसीजर के अंदर कितना टाइम हाइट लगा है उसका उसको लिखा है 6 ड्रम्स में एंड 4 ट्रेस के अंदर, एंड दिस स्टाफ जिस स्टाफ के अंदर इन ऑटोक्लेव किया है उसके बारे में ये वर्णन है। ठीक है फ्रेंड, ये इस तरीके से हम इस पूरे रिकॉर्ड को ऑफिस शीट के अंदर हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, ताकि इन द प्रोसीजर्स कि जब कोई भी किसी प्रकार का यदि कोई डॉक्टर या कोई भी मेडिकल टीम अगर आपका कोई कंप्लेंट करती है कि ऑटोक्लेव हुआ है नहीं हुआ है, कितने डम हुए हैं, तो आप इस प्रोसीजर रजिस्टर को ओटी के अंदर मेंटेन करके आप किसी भी चीज़ को आप बता सकते हैं कि हमने ये ड्रम ये ड्रेसिंग सेट इतने बजे और इतनी बार साइकिल के अंदर इसको फ्यूमिगेट स्टरलाइज किया है। ठीक है बहन, दैट इज द फ्यूमिगेशन ऑटोक्लेव रजिस्टर। ओके फ्रेंड,